हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन में कैसे डिस्टिंक्शन की जा सकती है। डिस्टिंक्शन का मतलब है कि फ़र्क कैसे पता करेंगे कि कौन सा अमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है। ठीक है, तो ये कैसे पता किया जा सकता है? आपको अलग अलग रिएजेंट के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन, या हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है जिसमें हमें पता है कि ये अमीन है लेकिन ये नहीं पता ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है, तो उस सोल्यूशन को, उस अमीन के सोल्यूशन को चेक करने के लिए हम कोई ना कोई रिएजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट बने, कौन सा बने या इससे ये कंफर्म होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन कौन सी है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवा के देखते हैं। देखो, हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट में देख लें, तो टेस्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किसके साथ रिएक्ट करवाएं? प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करवाया। जो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करवाया तो तीन मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के चाहिए हमें क्वार्टरनरी साल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर तीन हमें चाहिए अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए अल्काइल हैलाइड के, तो हमारे पास क्वार्टरनरी साल्ट बनी, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी अमीन होगी? प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अगर अमीन के सिर्फ दो मॉलिक्यूल ही यूज़ हों, अगर अल्काइल हैलाइड को अमीन के साथ रिएक्ट करवाया और अमीन के दो मॉलिक्यूल ही यूज़ हुए हैं, तो इसका मतलब है वो सेकेंडरी अमीन होगी। ठीक है, टर्शरी अमीन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, अगर एक मॉलिक्यूल ही अल्काइल हैलाइड का एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन करके हमारे पास क्वार्टरनरी साल्ट बना देगा, तो इसका मतलब है वो टर्शरी अमीन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर दूसरा रिएजेंट यूज़ करें, दूसरा रिएजेंट मतलब के क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड को अगर रिएक्ट करवाया जाए, मोनो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो वो कौन सा होगा हमारे पास? प्राइमरी अमीन। अगर एक ही ग्रुप लगे उसके साथ और अमाइड जो बनेगा उसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगेगा, अगर क्लोराइड्स और एसिड क्लोराइड को अमीन के साथ रिएक्ट करवाएं और हमारे पास एक ही अल्काइल ग्रुप जो है वो अमाइड का बने, तो उसे बोलेंगे हम प्राइमरी अमीन होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर दो अल्काइल ग्रुप लग जाएं, टू डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाए हमारे पास अमीन के साथ रिएक्ट करवाने के बाद, तो एसिड क्लोराइड को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बने, तो उसे बोलेंगे हम क्या है, ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, तो लेकिन टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं होगी, टर्शरी अमीन के साथ एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड की रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो कौन सा होगा हमारे पास? टर्शरी अमीन होगा। ठीक है, अब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाए, जो मैंने के केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन की थी, वहाँ भी बताया था। नाइट्रस एसिड जब करेंगे प्राइमरी अमीन के साथ तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनेगा और साथ में अल्कीन भी बनेगी, अल्कोहल बनेगा और नाइट्रोजन बने। अगर ये सभी चीज़ें बनती हैं तो विद द नाइट्रस एसिड, तो वो कौन सा अमीन होगा? प्राइमरी अमीन। सो नेक्स्ट देखो, अगर अगर हमारे पास येलो ऑयली फॉर्म बन जाए, ठीक है, तो उसे नाइट्रोसो अमीन बन जाए, डेट इज़ अ येलो ऑयल मटेरियल, येलो ऑयली मटेरियल बनेगा, तो वो हमारे पास सेकेंडरी अमीन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, अगर वो सॉल्ट बनाए,
अगर तो वो सॉल्ट बना दे डायरेक्टली तो विद द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, तो वो अमीन हमारे पास टर्शरी अमीन होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो रिएक्शन, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। कार्बाइलमाइन रिएक्शन कौन सी थी जिसमें CHCl3 मतलब के क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ प्राइमरी अमीन को रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ अगर रिएक्शन करवाई, अगर उस अमीन में कार्बाइलमाइन बन गया और उसमें से गंदी सी स्मेल आ रही है, ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है, बहुत चढ़ती है स्मेल, तो वो कौन सा होगा? प्राइमरी अमीन होगा। ठीक है, तो अगर रिएक्शन ना हो, अगर रिएक्शन ना हो तो वो सेकेंडरी अमीन है, तो सेकेंडरी से नहीं हुई तो टर्शरी के साथ भी वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, टर्शरी के साथ, सो कार्बाइलमाइन रिएक्शंस ओनली गिव बाय द प्राइमरी अमीन, सिर्फ प्राइमरी अमीन ही कार्बाइलमाइन रिएक्शन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हेंसबर्ग्स रिएजेंट मतलब के कौन सा होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को अमीन के साथ रिएक्ट करवाएं, अगर हमारे पास मोनो एल्काइलेटेड सल्फोनामाइड बने, मोनो एल्काइलेटेड मतलब के इसके साथ इथाइल मिथाइल एक ही ग्रुप लगे, तो वो होगा हमारे पास, होगा प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो अगर उसमें डाई डाई एल्काइलेटेड मतलब के दो ग्रुप उसके साथ अटैच हो गए तो उसको बोलेंगे हम एल्काइल के दो ग्रुप अटैच हो गए तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बन गया तो वो प्रोडक्ट जो बना डाई एल्काइल सल्फोनामाइड वो एल्कलाई में डिजोल्व नहीं होगा, एल्कलाई मतलब KOH या NaOH में डिजोल्व नहीं होगा, तो वो कौन सी अमीन होगी हमारे पास? सेकेंडरी अमीन होगी। ठीक है, तो अगर अमीन रिएक्शन ही ना करे, ठीक है, अगर अमीन हेसबर्ग रिएजेंट के साथ जहाँ सल्फोन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ही ना करे, तो इसका मतलब है वो कौन सी अमीन है? टर्शरी अमीन है। हमें कोई भी चेंज हमें दिखाई ना दे तो इसका मतलब है वो टर्शरी अमीन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो हमने अमीन को अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के देखा और कंफर्म किया कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिस्टिंक्शन या फर्क पता करने के लिए रिएक्शंस करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।